ये कोई नहीं आया क्या? वही मैं दिख रहा था, आवाज किसी की नहीं आई मेरे को। चेक करो आप, इसलिए मैंने रिंग मेल। अच्छा बेटा आ जाओ। वेरी गुड। अच्छा कोई है ही नहीं क्या ऑफलाइन? अच्छा है ही नहीं, चालू है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक। ठीक है, आ गए आप? ओके okay। नहीं जस्ट अभी कोई नहीं आया, मैंने बस ऐसे लिखा ही है, चार्ट बनाया मैंने एक बस। एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अच्छे से बना दूं ऑन? ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। देखो हम एनएसओ स्टेज टू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। तो आपने फिफ्थ क्लास में पढ़े थे मोशन मेजरमेंट, पढ़ा था हमने चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट। सेकेंड था सिंपल मशीन, थर्ड था हमारा यूनिवर्स, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट कौन सा था? मून। ठीक है, हमने चार चैप्टर यहाँ पे पढ़े थे। क्या था आपके चार्ट? एक था मोशन एंड मेजरमेंट, मोशन एंड मेजरमेंट। दूसरा था आपका सिंपल मशीन, थर्ड था आपका यूनिवर्स, ठीक है, एंड फोर्थ था अपना दी मून। ठीक है, यूनिवर्स और दी मून, क्लियर है? आप देखो आपके सिंपल मशीन, यूनिवर्स और मून, ये आपके तीन टॉपिक्स में कवर होंगे। जो आपका स्टेज टू होगा ना, उसमें मैंने क्वेश्चन देखे थे आपके सिंपल मशीन के भी थे, यूनिवर्स के भी थे, और मैंने मून के फेस भी देखे थे। यूनिवर्स तो है पर मून के जो फेस है होते हैं ना, वो मैंने देखे उनको, है ना? ठीक है, ये वाला मून वाला फेस तो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, अभी अपन एक काम करते हैं। हाँ, इसके अलावा और क्या सिलेबस में है आपके? तो ये तो आपका पहले वाला सिलेबस था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस की बात कर रहे हैं। अब नया कौन सा है? तो अब आपको नया मिलेगा, अब फोर्स वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, फोर्स वर्क एनर्जी, इसके बाद सिंपल मशीन मोशन, ये सारे चॉइस आपके पहले जैसे आ जाएंगे। नया चैप्टर आपके में सिर्फ यही ऐड हुआ है, ठीक है, ये वाला हो गया, मींस ये वाला फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेंगे अगर कोई पोर्शन आ जाता है तो। ठीक है, सिंपल मशीन, यूनिवर्स, मून और फोर्स वर्क एंड एनर्जी। एक नेक्स्ट वीक होगी, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे ये यूनिवर्स वाला, मून वाला अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज हम सिंपल मशीन और फोर्स वर्क एनर्जी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्स के बारे में बात करते हैं हम। हमने लिया फोर्स वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो डेली आप डेली लाइफ में आपने देखे होंगे कि हम जब घर के बाहर होते हैं या खेलते हैं, तो कोई हमें या तो खींचता है या हम किसी को धक्का देते हैं, करते ना? क्या करते हैं हम? या तो किसी को अपनी तरफ खींचते हैं जब खेलते हैं, या हम क्या करते हैं उसे धक्का देते हैं। तो मीन्स हम वहां पे दो चीजें करते हैं, जब हम किसी को धक्का देते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुश। और जब हम किसी को खींचते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुल। तो हम दो चीजें, दो एक्ट वहां पे करते हैं, एक पुश एंड पुल, ठीक है। लाइक अगर जैसे
इससे नहीं समझ में आया था, अपन एक और चीज समझते हैं। जैसे आपके रूम में एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, जैसे एक टेबल ही रखी हुई है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस टेबल को अपनी तरफ खींचा, इससे आवाज आई, वही अपनी जगह से थोड़ी खिसकी भी ना, थोड़ी जगह से आई, हाँ वर्क हुआ। अभी तो सिर्फ फोर्स, अभी वर्क नहीं, अभी सिर्फ फोर्स अपन। तो मैंने जैसे इसको खींचा, तो अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पुल कर रहा हूं, पुल खींच रहा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे पुल कर रहा हूं, मीन्स अपनी तरफ खींच रहा हूं इसको, तो मैं पुल कर रहा हूं। और जब मैं इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो रही, मैं इसे आगे की तरफ पुश कर रहा हूं, तो मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो फोर्स होता है पुश एंड पुल। जब पुश एंड पुल किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं फोर्स, ठीक है। आया समझ में, या तो हम उसे खींचेंगे या हम उसे धक्का देंगे, तो पुल करेंगे या पुश करेंगे, उसे हम बोलते हैं फोर्स, ठीक है। एक और एक उसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक्स बनाए, दिख रहा है आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ठीक। इसको मैंने नाम दिया था ए। अब मैंने क्या किया, सेम एक और ब्लॉक बनाया और उसको नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। इनको मैंने एक सरफेस पर रख दिया, तो सरफेस पे जम रखते हैं तो ऐसे ऐसे बना देते हैं, इसका मतलब होता है ये हमने से सरफेस पर रख दिया, ठीक है, ये जमीन पर रखा हुआ है। ऐसे मैंने इसे भी सरफेस पे रख दिया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब ब्लॉक था, मैं उसे क्या कर रहा हूँ, आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ। एक मिनट, उसमें थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं थोड़ा सा आगे बना लेता हूँ, है ना इसको। इधर तो नहीं आना आपको, इधर ज्यादा अच्छा दिखेगा शायद आपको, इधर इधर लेफ्ट हैंड है क्या मैम, नहीं अच्छा आपको जहां से अच्छा दिख रहा हो, यहीं से अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा इस साइड आ जाना बस, मैं तो ये डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी वहीं लिखूंगा, है ना, ठीक है। एक और मैंने बनाया, उसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे देता हूं मैं ए। अब मैं इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूँ, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, कोई पर्सन था इस डायरेक्शन में, इसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। चलो अभी फोर्स भी नहीं, हम सिर्फ ऐसे एक एरो बना दिया। अभी मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग से इसको बांधा और यहां पे खींच रहा हूं इसको, स्ट्रिंग 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 मीन्स धागा, ठीक है, ये अलग है, यहां का अलग है पोर्शन। चलो इसे मिटा दूं क्या, ठीक है, इसे थोड़ी देर से बना लेंगे ना अपन। अभी जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है लाइक ए डस्टर, अभी ऐसा रखा हुआ है, अभी मैं इसको देखो ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये आगे की डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पुश, मैं क्या कर रहा हूँ इसको पुश, तो उसके पुश के से क्या होगा, आगे चीज ऑब्जेक्ट आगे जाएगी, ठीक है। अगर ब्लॉक रखा होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैं आगे की तरफ पुश करूंगा तो ये आगे जाएगा, तो मीन्स इसमें मैं पुश कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर खड़ा हो गया और इसे खींच रहा हूं, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पुल। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं तो पुल, मूव करते हैं या पुश करते हैं, आगे धक्का देते हैं, तो उसे बोलते हैं पुश। तो जब भी कोई पुश एंड पुश किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, एक्ट करता है, अब पुश एंड पुल्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट और बॉडी, ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं उसे बॉडी, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फोर्स, ठीक है, क्लियर। ये डायग्राम बनाया, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट पढ़ी है अपन ने, ऐसा यूनिट जानते हो, ठीक है, जैसे सबकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे लेंथ की हम किसे मेजर करते हैं, मीटर में, वेरी गुड, टाइम को सेकेंड्स में, ठीक है। ऐसे यहां पे फोर्स को हम करते हैं न्यूटन से, इसकी यूनिट ही थी न्यूटन, ऐसा यूनिट, हाँ हाँ, मैं सब बता रहा हूं ना, अपन पढ़ेंगे, तो ये थी एसआई यूनिट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीजीएस यूनिट, देखो ये हो गया एसआई यूनिट, यहां लिख देता हूं मैं सीजीएस यूनिट, तो इसी की सीजीएस यूनिट हो जाएगी सीजीएस, ये होती है एमकेएस,
ये सीजीएस, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड्स, और इसमें लेते हैं हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। हाँ सेकेंड टाइम सेकेंड ही रहता है, ठीक है। तो जब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड लेंगे तो इसमें इसकी यूनिट होती है डाइन, डाइन मींस जब भी कोई पूछेगा फोर्स की एसआई यूनिट तो न्यूटन, फोर्स की सीजीएस यूनिट तो डाइन। आप कंफ्यूज तो नहीं होगे, ठीक है, नोट करना है। ऐसे लिख लो, फिर अपन आगे लिखते हैं ना। सिंबल में ऐसा भी लिखा रहता है, इसका लिखा रहता है कैपिटल एन और इसका लिखा रहता है डी वाई एन, ठीक है। नहीं, जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, इनका एब्रीवेशन लिखते हैं, तो ये क्या होता है डी वाई एन, जैसे न्यूटन का सिर्फ एन लिखते हैं हम कैपिटल, ठीक है, ऐसे डाइन का डी वाई एन लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं, डाइन में तो पूरी स्पेलिंग हो जाएगी फिर वो। हो गया, ठीक, इसे रब करते हैं। अच्छा अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं फोर्स, यहां पे लिख दिया मैंने वर्क और यहां लिख दिया मैंने एनर्जी, ठीक है, नहीं इस साइड लिखने दो मेरे को, एथर एनर्जी इधर लिखूंगा मैं वर्क। फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी से हमें क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। तो देखो ये एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं, कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क, क्योंकि हम जैसे इस टेबल को कोई बोलेगा मेरे को कि इस जगह से दूसरी जगह पे मेरे को रखना है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा इसे आगे की तरफ लेके जाऊंगा, अब जब बॉडी मूव होगी तो ये वर्क कर रही है, ठीक है, अभी वर्क हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है, ठीक है, तो वर्क इस पे काम करेंगे। अब वर्क करने के लिए मैं जब फोर्स लगा रहा हूं तो मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी जब मेरे पास होगी तो मैं फोर्स लगा पाऊंगा, तो तीनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है, फोर्स मेक्स थिंग्स मूव, फोर्स क्या करता है, थिंग्स, जो मूव थिंग्स होती है उन्हें क्या करता है, मूव करता है। दूसरा, वर्क इज डन बाय द फोर्स, वर्क कैसे काम होता है, फोर्स के कारण वर्क होता है, एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फोर्स, और फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए रहता है हमको, एनर्जी, तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। हाँ ये मतलब फोर्स से हम वर्क करेंगे, वर्क करने के लिए आप फोर्स लगाओगे, फोर्स को किसके ऊपर चाहिए, एनर्जी चाहिए फोर्स लगाने के लिए, ठीक है, आपका वर्क हो जाएगा। चलो हो गया, ये लिखना है क्या, लिख लो। कल भी आपने 1.5 घंटे पढ़ा था, कल दो, अच्छा, ठीक, डन, ओके। ठीक है, अब जैसे कि हमने फोर्स पढ़ा, तो अब हम फोर्स से ये देखेंगे कि फोर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी में, मींस क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, वेरी गुड, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ, और क्या कर सकता है, किसी रुकी हुई बॉडी को, कोई रेस्ट में बॉडी है तो उसे हम क्या कर सकते हैं,
मूव करा सकते हैं, या कोई बॉडी चल रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे रोक सकता हूँ। ठीक है, अपन समझेंगे इनको एक एक करके। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या हो जाएगा? फर्स्ट कैन, इट कैन मूव, अच्छा इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड देखो, फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज शेप चेंज कर सकता है। कैसे? अगर मैं एक छोटा सा रब पेपर ले लूं और उसको क्रश कर दूं तो साइज बदल जाएगी और मैंने उसका शेप भी बदल दिया, तो मैं साइज एंड शेप चेंज कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं हम, साइज नहीं, बेटर एक काम करो, शेप लिखो इसको, इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम उसका शेप ही बढ़ा रहे हैं, हम बोतल की साइज चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखो, अब क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा जब हम पापा मम्मी के साथ कार में जाते हैं और हम बोलते हैं नहीं पापा पापा आइसक्रीम खाना है मेरे को, तो पापा क्या करते हैं, फिर गाड़ी को टर्न लेते हैं, तो गाड़ी तो सीधी जा रही थी, अब मेरे को उसकी डायरेक्शन चेंज करना है, तो मैं कैसे करता हूँ, स्टेयरिंग को उसकी तरफ मोड़ देता हूँ जिधर हमारी शॉप रहती है। अगर मान लो लेफ्ट साइड है तो मैं लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो राइट साइड, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेयरिंग पे क्या करता हूँ, स्टेयरिंग घुमाता हूँ। अब स्टेयरिंग मूव कैसे होगी, बिकॉज ऑफ फोर्स, मैं फोर्स लगाऊंगा तभी तो स्टेयरिंग मूव करेगी। तो स्टेयरिंग से हम फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। या एक और कैसे समझें, जैसे एक बुक ये रखी हुई है, टेबल अभी बिल्कुल सीधी रखी, ये अपने आप आगे पीछे मूव हो रही क्या, नहीं, पर मैं जैसे ही इस पर फोर्स लगाऊंगा, देखो इसकी इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, स्लैंटिंग टाइप की हो गई, इस तरीके की हो गई। मैं वापस से फोर्स लगा के इसकी वापस से सही कर सकता हूँ। देखो, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड, इट कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मींस कैसे, जैसे अभी ये डस्टर यहां रखा हुआ था, अभी स्टेशनरी है, फोर्स से देखो मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन मैं आगे पीछे कर सकता हूं, तो इसकी मतलब रेस्ट, कोई बॉडी रखी हुई थी, मैं उससे क्या कर सकता हूं, उसकी मूव करा सकता हूं उसको, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आ गया समझ में, समझ में कि नहीं आ गया? जैसे मैं कोई खड़ा हुआ था, कोई बॉक्स रखा हुआ था, मैंने बॉल को उठाया और फेंक दिया, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने उसको फेंका तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में थी बॉल, तो मैंने उठा के उसको फेंका, तो वो किस में हो गया, मैंने उसको मोशन में ला दिया, तो मैंने उसको क्या किया, इट कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी। फोर्थ, इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। भाई फोर्स क्या कर सकता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। कैसे, ये तो समझ नहीं आया कि हमें कैसे रोक सकता है। रेजिस्टेंस क्यों, बिल्कुल छोटा एग्जांपल, सिंपल, जो अपन ने घर में देखा हो, आपने रोड पे देखा हो, कि फोर्स इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, कैसे स्टॉप कर सकता है अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो। हाँ, वेरी गुड, रुक गई, क्या हो रहा था, कार तो मोशन में थी, मूव कर रही थी, मूविंग बॉडी थी, अब जैसे ही मेरे को रोकना था तो मैंने क्या लगाया, फोर्स, तो मैंने ब्रेक पे दिया फोर्स, तो गाड़ी मेरी रुक गई,
स्टॉप हो गई, तो क्या हुआ, मैंने मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया। इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय द अप्लाइड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे ही मैं ब्रेक पे फोर्स लगाऊंगा, पैर से फोर्स दूंगा ब्रेक पे, तो ब्रेक क्या हो जाएगा, उस पर रोकेगा और गाड़ी को रोक देगा, तो मूविंग बॉडी को रोक देगा। ठीक है, लिख लो ये चारों पॉइंट्स, लिख लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। अच्छा, ये आपका था नहीं ना सिलेबस में, सिक्स क्लास में आता है ना फोर्स ऑफ। ठीक है, तो रिकॉल हो रही होंगी ना चीजें। अच्छा फोर्स, फोर सिक्स क्लास से पढ़ाते हैं अपन धीरे धीरे, क्योंकि उतनी चीजें समझ में नहीं आती ना, तो आप एडवांस एग्जाम दे रहे हो इसलिए आप उस भीड़ से अलग हो, तभी तो आप एडवांस पढ़ रहे हो आपको। हाँ, यही एडवांस होते हैं कि हम आपको देखो सिक्स क्लास का पढ़ा रहे हैं, फोर्स पढ़ा रहे हैं, वर्क एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ टाइप ऑफ फोर्स, तो टाइप ऑफ फोर्स की जब मैं बात करूंगा, टाइप ऑफ फोर्स तो ये दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट। टाइप ऑफ फोर्स में टू टाइप्स की कैटेगरी डिवाइड होती है, जैसे मैं यहां लिखूं तो ये हो जाता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी, इसकी डेफिनेशन लिखे अपन। फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी, फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन द कॉन्टेक्ट, व्हेन द बॉडी इज इन द कॉन्टेक्ट, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, कॉन्टेक्ट विद द फोर्स विद द फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स की, कि फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन द कॉन्टेक्ट विद द फोर्स, जब कोई बॉडी फोर्स के साथ कॉन्टेक्ट में है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अभी ये डस्टर यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे रखा हुआ है, मैं इसको पकड़े भी हूं, अब जैसे ही मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं तो बॉडी किसके साथ है, फोर्स के साथ कांटेक्ट में है। कैसे, तो अब यहां पे क्योंकि नीचे से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, अगर फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये बॉडी तो आराम आराम से मूव होती ना ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी, पर मैं जैसे ही जा रहा हूं देखो मेरे को बहुत दम लगानी पड़ रही है आगे तक ले जाने के लिए, तो मीन्स कोई ना कोई फोर्स नीचे से रोक रहा होगा इसको। तो जब दो फोर्स, कोई फोर्स इस बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में आता है तो उसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स, और जब दो दो फोर्सों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो उसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। किस पे, इस पे अभी हाथ में है, जैसे मैं छोड़ूंगा तो दूसरा फोर्स लगने लग जाता है। हाँ, वेरी गुड, तो पहले हम कांटेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स लिख लिया था आपने। हाँ नहीं नहीं लाइट शेडो के नहीं आएंगे, लाइट शेडो नहीं है आपका, है ना। देखो अब इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं, तो सबसे पहला फोर्स आता है इसका मस्कुलर फोर्स, सेकंड आता है फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, थर्ड आता है, ठीक है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये काफी है।
देखो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी हम फोर्स एक्ट करते हैं मसल द्वारा, यहां कोई खड़ा हुआ है, मैंने उसको स्लैप कर दिया, तो मेरी मसल्स ने उस पर क्या किया, एक फोर्स लगा दिया, तो ये कौन सा हो गया, मस्कुलर फोर्स। या जैसे आपने देखा होगा जब फुटबॉलर फुटबॉल खेलते ना तो किक करते हैं फुटबॉल को, किक करते हैं ना, तो वो जो किक करते हैं फुटबॉल को वो कौन सा फोर्स कहलाता है, मस्कुलर फोर्स। या और समझने के लिए मैंने क्या किया, वो देखा ना वो हाथ ठेले लेके चलते हैं जो बहुत सारा सामान ढोते हैं लोग बेचारे, ठीक है, तो वो जब सामान लेके चलते हैं आगे ऐसे ऐसे चलते हैं ना सामान लेके, तो वो जो सामान लेके सामान रखा रहता है तो वो भी अपनी मसल्स का यूज करते हैं ना, तो मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं वो, जो बॉडी जो हमारी बॉडी उस पर फोर्स लगाती है, हाँ जिस फोर्स हमारी बॉडी काम करती है उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। लाइक हम फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या मैं बॉल को कैच कैच कर रहा था, मैं यूं फेंकू बार बार ले लूं, तो मैं उस बॉडी फोर्स बॉल पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, वो कहलाता है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आती हैं उनके बीच में जो फोर्स काम करता है उन्हें हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है क्या, सिंपल सिंपल डेफिनेशन लिखनी है क्या, हाँ नहीं तो मतलब बताओ फोर्स की मतलब मस्कुलर की लिखाऊं, हाँ चलो अपन लिख लेते हैं ना, तो पहले मस्कुलर की लिख लेते हैं, इसमें हो जाएगा दिस इज द फोर्स वी कैन एग्जर्ट विथ अवर बॉडीज, दिस इज द फोर्स फोर्स ओनली व्हेन दिस इज द फोर्स वी कैन एग्जर्ट विथ अवर बॉडी, वी कैन एग्जर्ट विथ अवर बॉडी बाय यूजिंग अवर मसल्स ठीक है, उसे बोलते हैं एग्जाम्पल, इसके हो जाएंगे पुल पुश किक ईटीसी। तो मस्कुलर फोर्स क्या हो जाएगा, दिस इज द फोर्स वी कैन एग्जर्ट विथ अवर बॉडी बाय यूजिंग अवर मसल्स, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ अवर मसल्स, जो मसल्स के द्वारा हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसे बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे हम किसी को पुश करते हैं या हम किसी को खींचते हैं, पुश करते हैं या हम किसी को खींचते हैं, पिक कर रहे हैं तब भी तो अपन मसल्स का यूज कर रहे हैं ना अपने, तो हम खींच रहे हैं ना उसको अपनी तरफ, कैच लेते जब हम, हाँ जैसे अगर कहीं कोई ने दिया हो मैं कैच कर रहा हूँ, जैसे आप मेरे को मेरी तरफ पेन फेंक रहे हो मैं कैच कर रहा हूँ, तो अपनी मसल्स का यूज कर रहा हूँ ना, उसमें हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, या वो फेंक रहा था तब भी मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो पुल पुश एंड किक, लाइक मैं फुटबॉल को किक मारूंगा तो क्या करेंगे अपन, मस्कुलर फोर्स आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ, ठीक है अब अपन पढ़ते हैं, ये लिख लिया आपने, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स अपन पढ़ते हैं फ्रिक्शन फोर्स, इसी के अंदर सेकेंड टाइप। फ्रिक्शन फोर्स, जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे अगर मैं उसको लिख दूं तो ये हो जाएगा व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर, हाँ कैरम बोर्ड पे, इसीलिए हम फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या करते हैं उस पे बोरिक पाउडर डालते हैं, डालते हैं ना पाउडर, जिससे वो स्लाइड होने लग जाती है इजी। हाँ तो हम गिर जाते हैं, लाइक स्मूथ सरफेस होते हैं ना, जब बाथरूम में आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत भी सर्फ का पानी, जैसे कपड़े धोते हैं ना सर्फ एक्सल का पानी रहता है, तो वो अगर सरफेस पर डला रहे तो हम कभी कभी स्लिप भी हो जाते हैं,
क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। हाँ, बॉर्डर की लेयर बन गई। तो आप दोनों बॉडी के कांटेक्ट के बीच में कौन आ गई? एक लेयर आ गई। तो जैसी लेयर आ जाएगी तो हम पैर रखेंगे तो हम गिर जाने लग जाते हैं इस तरीके। हाँ, इसीलिए रेन जब होती है ना, इसलिए पैर स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि पानी में पता नहीं चलता, और जो चप्पल से रहती है वो स्लिप हो जाती है, स्लीपर्स वगैरह। हाँ, आपने ब्रेक लगाए, पर बिकॉज जो सैंड है और जो मिट जो सॉयल है वो क्या है, सैंड पाउडर से गीली हो गई, तो वो एक तरीके से मड बन जाती है। और जैसे ही मड में क्या कोई चीज ब्रेक लगाएंगे एकदम से लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है वहां पर, और बाइक हमारी स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखो, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट बिटवीन दैट इज सेट बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट व्हेन वन्स बॉडी then one body slides or rolls tends to do so so on the surface of Another body. ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अपोजिंग फोर्स होता है। जैसे आप चल रहे तो उसका अपोज करता है, तभी तो हम चल पाते हैं। अगर अपोज नहीं करेगा स्लिप हो जाएंगे। हाँ, जैसे आप चल रहे हैं ना, और अगर ये फ्रिक्शन नहीं है तो अभी मैं पैर स्लिप नहीं हो रहा ना मेरा, क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज फ्रिक्शन काम कर रहा है यहाँ पे, मेरे इसमें रबड़ लगी हुई है जो से काम फ्रिक्शन का काम कर रही है। हाँ, तो कभी कभी जब जूतों के आपने देखे होंगे पुराने हो जाते हैं हमारे, उनके सोल घिस जाते हैं, स्लिप जल्दी होते हैं, है ना? हमारी स्लीपर भी स्लिप्स होती है इसी वजह से। ठीक है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक बॉडी बना के दिखाता हूं, है ना? जैसे एक मैंने एक बॉडी ली, इस पे रख दी। ठीक है, अगर कहीं पे आए, ये बॉडी है जिसका नाम ए है, आप इस पे फोर्स लगा रहे थे ऐसी की तरफ, आगे की तरफ से खींचते ले जा रहे। ठीक है, एक ब्लॉक है, मैं उसे आगे की तरफ खींचते ले जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन कहां की तरफ लगेगा? इसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन खींचेगा। हाँ, तो ये रोकना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगाना बंद करूंगा ये से रोक लेगा। तो मैं जब इसे खींचना चाह रहा हूं तो मेरे को इसकी वैल्यू से ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा। तो अगर मेरे को आगे बढ़ाना है तो मेरे को फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, आगे होगी। जैसे ये टेबल रखी हुई है, ठीक है, अभी ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पर ये आगे हो रही क्या? अभी मैं लगा रहा हूँ, अब हुई आगे, मतलब फोर्स तो मैं तब भी लगा रहा था, पर मेरी फोर्स की वैल्यू क्या थी, मैग्नीट्यूड कम थी, फ्रिक्शन की फोर्स से कम वैल्यू थी। यदि मेरी वैल्यू फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हुई तो बॉडी क्या हो गई, मेरी तरफ आने लग गई। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ऐसा डायग्राम बने रहे तो देखना है ना, एक अभी डायग्राम बना के बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ,
क्वेश्चन दिखाना मेरे को, है ना बेटा? ठीक है, क्वेश्चन दिखा देना, मैं बता दूंगा। चलो अब यहां देखो, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अभी हमने पढ़ा था जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होती हैं या एक फोर्स बॉडी फोर्स के कॉन्टेक्ट में होती है उसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। जब यहां बॉडी कॉन्टेक्ट फोर्स के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी तो हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी, फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी, विच एक्ट ऑन अ बॉडी, फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी दैट इज ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज नॉट इन कॉन्टेक्ट, व्हेन द बॉडी इज नॉट कॉन्टेक्ट with the force which act on a body when the body is not contact with the force, when the body is not contact with the surface, with the not in contact with another body exerting force, ठीक है, is known as non-contact force, is known as non कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, जब बॉडी क्या हो जाएगी, फोर्स के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी तो उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे मैं चल रहा था तो मेरी बॉडी इस फ्रिक्शन फोर्स के कॉन्टेक्ट में थी, अगर मैं हवा में हूं तो यहां फ्रिक्शन तो काम ही नहीं करेगा, तो यहां तो मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना काम करेगा ये बॉडी, ठीक है, पर जब अभी कॉन्टेक्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था, ग्रेविटेशन आता है नॉन कॉन्टेक्ट। अब इसी में पढ़ना आपने ग्रेविटेशन। अब इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं, जैसे इसके अगर एग्जाम्पल लिखूं मैं तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा और देखते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, या मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग भी लिख सकते हैं इनको हम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। पानी, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने बोला जब बॉडी फोर्स के कांटेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है, तो कैसे, जब मैं चल रहा था तब तो मेरे को समझ में आ रहा था क्योंकि मैं इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, इसकी वजह से मेरे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था और मैं चल भी नहीं पा रहा था उतने अच्छे से। अगर मैं इसको बिल्कुल स्मूथ कर दूं तो मैं बिल्कुल स्लिप होऊंगा, इस पे हो जाऊंगा और गिर भी सक, हाँ आइस क्यूब पे चलते हैं तो हम दोनों के बीच में फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो मेरे गिरने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, तो जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, उतना कम स्मूथ होगा तो हम गिर जाएंगे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो गई, और ज्यादा खराब बिल्कुल डस्ट रोड है तो फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, इसलिए तो अपने गाड़ियों के टायर खराब हो जाते हैं, अपने शूज खराब हो जाते हैं क्योंकि रोड अच्छे नहीं होते, हाँ इसलिए बनाए जाते हैं रबड़ के, ठीक है, नहीं तो लोहे के होते तो वो खटखट 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 करते रहते गड्ढे में जाते हैं इस तरीके से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग भी होते हैं, ठीक है, अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं उनको। अब यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ये बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं होता फिर भी फोर्स लगाता है, कैसे, अभी ये बॉडी है जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा अभी मेरे कांटेक्ट में तो इस पे भी कांटेक्ट फोर्स कौन सा लग रहा है, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि मैं इसे पकड़े हूं अपनी मसल से, हाँ फोर्स लग रहा है ना क्योंकि पकड़ तो रहा हूं मैं अपने फोर्स से, तो ये मस्कुलर फोर्स है, पर मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं हाँ नीचे खींच रहा अपनी तरफ, हाँ बोलो, हाँ
हाँ नहीं, हर प्लेनेट के पास अपनी ग्रेविटी है। सब प्लेनेट के, मून की अलग ग्रेविटी है, अर्थ की अलग ग्रेविटी है, जुपिटर के पास अलग है, सब प्लेनेट के पास अपनी अपनी ग्रेविटी है, पर उसकी ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो सबकी अलग अलग है, अलग अलग प्लेनेट के लिए। ठीक है, जैसे अपन अर्थ पे जो लेते हैं वो 9.8 की वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल जी, हाँ स्मॉल जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लेते हैं हम। हाँ मून पे, तो मून पे कितनी होती है अर्थ की ग्रेविटी की, तो जी एट मून इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाय सिक्स, अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है, तो लगभग, हाँ तो जो निकल के आती है 2 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आती है हमारी एक्सपेक्ट वैल्यू, 2 पॉइंट कुछ। ठीक है, हाँ देखो उसको क्या बोलते हैं, W इक्वल टू एम जी, पढ़ाया आपने, हाँ W इक्वल टू एम जी, रुको मैं यहां लिख देता हूँ अच्छे से, ये तो है 1/6 ग्रेविटी होती है, तो लगभग 2 पॉइंट कुछ निकलती है ना, तो 1.6 कुछ ऐसे आ जाएगी आपकी। हाँ अपन कैलकुलेशन के लिए जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है, 9.8 की जगह कितना लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं हम। देखो हम किसी का वेट कैसे निकालते हैं, W इक्वल टू एम इंटू जी, पर एम होता क्या है यहाँ पे, तो ये होता है वेट इक्वल टू WEIGHT इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई अर्थ हम पे क्या लगाती है, ग्रेविटी, तो उसके कारण क्या होती है, बॉडी नीचे जाती है, जब जाएगी तो बॉडी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलेट करेगी, एक्सेलेशन, जैसे बोलते हैं ना पापा तेज चलाओ, तो पापा क्या करते हैं एक्सीलेटर का वायर दबा देते हैं, तो अपनी गाड़ी तेज हो जाती है ना, एक्सीलेशन एक्सीलेटर देते हैं। हाँ कॉन्टेक्ट में आता है जैसे, तब बाहर नहीं लगता, और जैसे ही वो अर्थ की ग्रेविटी में आता है तो ग्रेविटी के होने के कारण उसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि जी की वैल्यू भी इफेक्ट करेगी, उसका मास तो था ही उसके पास, तो यहां हम किसी का भी वेट निकाल लो तो हम क्या करते हैं, उसका मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी का वेट, मान लीजिए मेरा वेट है, ठीक है इसे अपन इरेज कर दें, यहां देखो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास डब्ल्यू इक्वल टू एम जी है, मेरे पास एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एक कोई मास है, ठीक है मास है मेरी एक बॉडी का 60 kg, ठीक है स्मॉल जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं पूछ रहा हूं उसका वेट बताओ, फाइंड द वेट, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा मेरा, एम की वैल्यू कितनी है 60 × 10। इस W की वैल्यू हमेशा, क्योंकि ये वेट कौन सा है जो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं हम फोर्स, वेट को भी फोर्स ही बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर, इसे हम बोलते हैं अगर आप और पढ़ेंगे तो नॉर्मल फोर्स। ठीक है और डिटेल में पढ़ते हैं अपन तो इसे। हाँ हाँ, हमेशा अगर किसी को भी फिक्र है वो नीचे जब आएगा, हाँ सेम लगती, सबके ऊपर सेम लगती अपन कौन, हाँ कहीं से भी ऊपर से फेंके हम उस पर, जब तक वो अर्थ की सरफेस के कांटेक्ट में है, जहां तक अर्थ की ग्रेविटी है वहां तक ये सेम फोर्स लगाती है। ठीक है
हाँ, क्योंकि वहां पे अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, इसलिए इस वजह से इसलिए फ्लोट करती है वहां पे, वेटलेसनेस हो जाते हैं, वेट नहीं आता हमारा वहां पे, वेट नहीं बताता। तो देखो W इक्वल टू एम जी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू टेन, तो 6 × 10 कितना हो गया 600, पर इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमेशा न्यूटन फोर्स की। तो ये भी तो एक ही फोर्स है, इसलिए तो मैंने लिखा वेट भी एक नॉर्मल फोर्स होता है जो कौन लगाती है, अर्थ लगाता है। जैसे ये रखा हुआ है ना, ये मेरा मोबाइल रखा हुआ है, कुछ भी हम रखे हुए हैं, तो मैं जब खड़ा होता हूं तो मेरी बॉडी का मास और इस पूरे अर्थ की ग्रेविटी, तो मेरा वेट क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मेरा जो मास होगा उसमें मैं जी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वेट आ जाता है। हाँ नहीं, जितना बड़ा मास होगा उतनी बड़ी ग्रेविटी हो जाएगी उसकी। जब से मैं से मैं इस अर्थ पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये अर्थ मेरे को क्या कर रही, मेरे को अपने तरफ खींच रही है, तो जिस फोर्स से खींच रही है उसे ही बोलते हैं ग्रेविटी। हाँ, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे को अर्थ अपनी तरफ खींच रही ना। हाँ, क्योंकि नीचे से अर्थ मेरे को अपनी तरफ खींच रही है, धरती माता कहाँ खींच रही है हमको, नीचे, वो अपने ऊपर क्या लगा रही है ग्रेविटी, तो जो फोर्स लगाती है उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है W इक्वल टू एम जी, हमारे पास मास पता हो और हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 10 होती है, तो हम ऐसे करके क्या निकाल सकते हैं मास। ठीक है, हम 10 ही लेते हैं, पर अगर कहीं पे लिखा हो 9.81 या 9.8 तो हम वो यूज कर लेते हैं। किसको बदलना, क्यों अपने को नहीं, ये आंसर आ गया बस। वेट तो न्यूटन में ही होता है, जैसे मैं खड़ा हो जाऊंगा जब, तो जो वेट मशीन होती है वो अपन केजी केजी लिखते हैं, क्योंकि वो मास लिखाते हैं ना अपन, सब इसमें नॉर्मली बताता है वो तो मेरे को। तो ये तो मैंने बड़ा एग्जांपल लिया था, मास जिसका 60 kg मास हो, समझ रहे हो, जैसे मेरा बॉडी से जब जी की वैल्यू हटा देंगे तो मेरा मास कुछ अलग आएगा। जैसे मेरा वेट अभी 67, ठीक है 70 मान लेता हूँ, 10 हटा दो तो मेरा मास कितना हो जाएगा, नहीं देखो मेरा भी वेट है 70 kg, ठीक है जो नॉर्मल लगा रहा है, अब जी की वैल्यू मैंने हटा दी तो मेरे पास मास कितना बचेगा, 10 इसमें से मैंने हटा दिया, तो W इक्वल टू एम इन टू जी, वेट 70 डिवाइड है कितना, मास कितना है मेरे पास, मास तो मेरे को पता करना है, जी की वैल्यू 10, इस 10 को इधर ले आते हैं तो 10/7 एम 0, एम की वैल्यू कितनी होगी, यस नहीं, इसका तो 60 kg लिया है ना मैंने मास, अगर मैं 6 kg लेता तो कितना आ जाता आंसर, देखो अब मैंने 60 kg ले लिया, अब कितना आ गया आंसर 6 न्यूटन। हाँ, मास की मीन्स कोई बॉडी कितना ज्यादा उसमें मास है, किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। हाँ क्या बोलो, हाँ W अपॉन जी, इन सबको मैं रेस कर देता हूं, ठीक है। अगर मेरे को जब भी M निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, W/g इक्वल टू M, मास किस में होता है ऑलवेज इन केजी, वेट किस में होता है, वेट न्यूटन, और जी किस में होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सबकी ऐसा यूनिटी है। हाँ ठीक है, तो कोई जब बॉडी रखी होती है, हाँ लिख लो, ये हटा दूं, अच्छा लिख लो लिख लो, और लिख लो आराम से।
ठीक है। देखो अब इससे क्वेश्चन मैंने देखा था, अपन वो क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो आप पूछ रहे थे ना, अगर आए तो। ठीक है, ये नहीं आई। कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन देखा था मैंने। अभी एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का नाम दे दिया मैंने ए। यहां पे एक कोई फोर्स लगा रहा है, एक यहां फोर्स लग रहा है और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। हाँ, इसको नाम दे देता हूं मैं एक्स वाई एंड जेड। ओलंपियाड की बुक में ना, हाँ इसीलिए मैंने करा है ये। जेड है ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड। देखो वाई और एक्स डिपेंड करेगा कि बॉडी किस तरफ जा रही है। अगर एक्स की डायरेक्शन में जाएगी तो वाई फ्रिक्शनल फोर्स, अगर वाई की डायरेक्शन में जाएगी तो एक्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसे दे देता हूं मैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फ्रिक्शन ही तो बोलते हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन भी तो बढ़ते हैं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अपन पढ़ते हैं वर्क। अच्छा ये बनाना था ना आपको, ये बनाना था। हाँ फॉर किसन मीन्स इसका मतलब ये होता है, वर्क वो वर्क होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और जो बॉडी है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करे, मूव करना चाहिए उसको इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मैंने एक सरफेस बनाया, ठीक है, इस पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, इसको नाम दे दिया ये। अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया ये बॉडी यहां से यहां मूव हुई। तो अब ये मूव होके मान लीजिए इसकी नई पोजीशन ये हो गई, अब ये यहां पे आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, वर्क इज डन। मीन्स यहां से यहां तक जो बॉडी आई तो इसको बोल दिया मैंने, यहां से यहां तक क्या हुई, डिस्टेंस भाई, कुछ इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ठीक है, इसे मैं डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देता हूं डी से। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू डी, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, ठीक है, क्लियर है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, वैसे सही ये होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सुना है आपने डिस्प्लेसमेंट का नाम, हाँ ठीक है, वैसे होता ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती एक इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखो मैं एक ब्लॉक बनाता हूं, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी एंड डी। अब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पे आए। यहाँ पे आपने 3 मीटर डिस्टेंस दी, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर और यहाँ पे 2, हाँ एक तरीके से। अब मैंने क्या किया, इसकी ये वाली साइड इरेज कर दी ए,
तो आप ए से चले और डी पे पहुंचे, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 3 + 2 + 3, 3 + 3 = 6 + 2 = 8. वेरी गुड, यही डिफरेंस है, इससे बोलते हैं हम 8 मीटर डिस्टेंस। ये क्या है हमारी डिस्टेंस, कौन सी? 8 मीटर। पर अगर आप ए से डी जा रहे हो तो ये दोनों के पाथ के बीच में कौन सा है? शॉर्टकट है। तो जब भी हम शॉर्टकट पाथ लेंगे तो पहले इनिशियल पॉइंट, ये कौन सा हमारा फिनिशिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, 20 मीटर इन नॉर्थ, नॉर्थ फिर साउथ। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? 2 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो देखो डिस्टेंस कितना आ रहा था? 8, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अभी कंफ्यूज नहीं होना है ना यहाँ पे हमको, ठीक है? चलो ये हो गया। अब इसकी एसआई यूनिट, वर्क की डेफिनेशन लिख ले अपन, ठीक है? व्हेन बॉडी डिस्प्लेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मीन वर्क डिपेंड, व्हेन द फोर्स अप्लाइड इफ द ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे फोर्स की डिस्टेंस लिखे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है? व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस in the direction of force is called force, then work should be done, then work is done, then वर्क इज डन, उसे बोलते हैं कि हमारा काम हो गया, वर्क हो गया डन, क्योंकि जैसे हमने फोर्स लगाया और बॉडी क्या हुई? डिस्प्लेस हुई, ठीक है? मूव करी मींस उसने वर्क किया। अगर वो वहीं खड़ा रहेगा तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे वर्क जीरो। अगर मैं सुबह से शाम तक, हाँ जैसे मैं एक, मैंने एक सामान लिया अपने सिर पर रख लिया यूं, अब मैं रखे हुए सुबह से शाम तक खड़ा रहा तो मैं फोर्स तो लग रहा ना, पर मेरी बॉडी डिस्प्लेस हुई क्या? थोड़ी बहुत भी आगे पीछे गई नहीं। तो जब मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा W इक्वल टू एफ डी, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? जीरो। W इक्वल टू एफ इंटू जीरो, तो ये कितना निकल आएगा हमारा? वर्क भी कितना हो जाएगा? जीरो। वर्क क्या हो जाएगा? है ही नहीं, तो वर्क क्या हो जाएगा? काम ही नहीं किया। इसीलिए जब कुली की बात आती है कि कुली एक सामान, जो कुली होते हैं ना स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे, वो सामान लेके जाते हैं ना, ठीक है? तो सामान अगर जब मैं बोलूं कुली नहीं, वो सामान ने कितना डिस्प्लेस किया, तो कोई जो बकेट उस पे अपने बैग पे सूटकेस या कुछ भी ब्रीफ केस रखे हुए था, तो वो ब्रीफ केस अपने आप चल के गया क्या? नहीं। उस ब्रीफ केस ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की? नहीं। तो जब वो ब्रीफ केस का वर्क पूछेंगे तो उसने कितना वर्क किया? जीरो, ठीक है? इसकी एसआई यूनिट लिख लें हम, तो किसी पे भी करते ना, ठीक है? लिविंग क्यों? अगर मैं मशीन से भी कोई काम कर रहा हूं तो उसे भी तो वर्क बोलेंगे ना। जैसे इस ब्लॉक को मशीन से उठा के यहां रख दो तो मैंने वर्क किया, तब भी लिविंग नहीं, कोई भी करेगा काम। पर बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अपोजिट डायरेक्शन, पर अभी अपन उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है? चलो अब इसे समझते हैं। ये लिख लिया आपने W इक्वल टू F, इसकी यूनिट होती है
ऐसा यूनिट, अच्छा यहां लिख देता हूं, अच्छा इरेज कर दो इसको, अच्छे से आता है ना जी, बस यही पढ़ लेंगे अपन कौन कौन से क्या क्या लीवर होते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल। एक और होती है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो एक और वर्क की यूनिट क्या निकल आएगी, न्यूटन मीटर। एक यूनिट भी होती है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो फोर्स यूनिट न्यूटन मीटर भी होती है, और क्या होती है, जूल होती है। ये भी ऐसा यूनिट ही है, ये दोनों ही ऐसा यूनिट ही है, ठीक है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, आर्ग, ई आर जी, आर्ग। क्या, हाँ देखो, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, मींस ऐसा यूनिट में हम पढ़ते हैं इसे, ठीक है। सीजीएस है और एफपीएस है, फुट पाउंड सेकेंड, और यहाँ पे पढ़ते हैं मीटर किलोग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में लिखे था, इसको क्या लिखते हैं, आर्ग, आर्ग सेंटीमीटर में पढ़ते हैं। जब सीजीएस यूनिट लेते हैं तब इसे हम आर्ग लेते हैं, ठीक है। और ये क्या लेते हैं, हम जूल या न्यूटन मीटर, या फिर हम सीजीएस में क्या बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, अर्ग, बस ई आर जी, अर्ग, ठीक है, अर्ग ही उसका नाम है। क्वेश्चन तो आपके इसके है नहीं, फिर भी अच्छा एक मेरे को क्वेश्चन आया था, मैं देखता हूँ, है ना। चलो यहां देखो, अगर आपको लिखा है कि वर्क गिवेन है या वर्क डन गिवेन है, व्हेन 100 जूल हाँ, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आ गया तो यूनिट वाला, वैसे तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमें, देखो आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए 100 जूल लिखा है तो वर्क हमारे पास कितना हो गया, 100, या इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, और छोटा सा और इजी बना लेते हैं, ठीक है, कि फोर्स हमें गिवेन है, कितना फोर्स है, किसी बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है, उसे मैंने दे दिया 10 न्यूटन, एंड बॉडी डिस्प्लेस हो रही, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है 10 मीटर, ठीक है। फाइंड द वर्क, ठीक है, वर्क इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, हाँ वेरी गुड, हाँ 10 into 10 तो न्यूटन मीटर। एक यूनिट ये भी होती है, देखो मैंने लिखा ना यहां पे, हाँ 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 अगर आप भूल गए तो न्यूटन मीटर में लिख दो, नहीं तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू इक्वल टू 100 जूल, न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं हम, जूल,
इसी यूनिट को हम जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी का बोलते हैं ना, जैसे अपने घर पे कुछ और नाम रहता है, स्कूल में कुछ और नाम रहता है, तो स्कूल में नाम हो गया आपका लक्ष्य लावण्या, ठीक है, और घर पे नाम हो गया क्या आपका, हमने ये रख दिया क्योंकि घर पे आपका लवी है, कुछ भी नाम है, कुछ भी, ठीक है, ऐसे ही। तो ये उन्होंने रख दिया घर के नाम, स्कूल में हमने रख दिया उसका जूल, स्कूल में हम पढ़ने लगे जूल, घर पे पढ़ते हम न्यूटन मीटर, इसलिए, ठीक है, सेम ही है दोनों, है ना। अगर हाँ, बस हम कभी भी कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या होती है वर्क की, तो जूल, ठीक है, न्यूटन मीटर भी होती है पर हम जूल में ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि हम वर्क करते हैं तो अपन काम बोलते हैं ना, कितना काम कर लिया, तो हम ऐसे थोड़ा बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हमने 100 जूल काम कर लिया, तो हम वर्क की यूनिट बता देते हैं। हाँ, हाँ, देखो तो जूल क्या होता है, जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि सब वर्क की यूनिट लिख रहे थे न्यूटन मीटर, ठीक है, सब यूनिट क्या लिख रहे थे न्यूटन मीटर, तो जूल आए, उन्होंने जब उसकी वर्क की यूनिट निकाली तो उन्होंने बोल दिया कि इसको न्यूटन मीटर नहीं, आप इसे क्या बोल सकते हो, जूल भी बोल सकते हो, तो जहां जहां न्यूटन मीटर लिखा आप उसे आप क्या बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं, वो कोई रिलेशन नहीं है, वो बस आप उसे जूल लिख सकते हो। जैसे लाइक मैंने कोई चीज इन्वेंट की, मैंने कोई चीज डिस्कवर की, ठीक है, हाँ, तो वो मेरे ऊपर है कि मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने कोई किसी एक अलग सा नाम था, मैंने मान लीजिए जेड, तो मैंने कोई कांस्टेंट निकाल दिया जेड, तो जेड की वैल्यू मैंने दे दी 10, ठीक है, मैंने कैसे भी करके एक्सपेरिमेंट करके जेड की वैल्यू 10 निकाल ली। अब मेरे को यूनिट देनी थी तो मैंने दे दिया इसको ए, मेरा नाम है, तो मेरा नाम हो गया अब ये, तो आप जब सब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 10A। जैसे न्यूटन का एन क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि न्यूटन के तो नाम है एन, इसलिए हम फोर्स की यूनिट न्यूटन, क्योंकि डिस्कवर उसने किया था तो अपना नाम दे दिया कि भाई, कोई नहीं, हाँ, आइंस्टीन, हाँ, अलग अलग करते रहते हैं, ठीक है, हाँ, जी भाई, हाँ, वही मैं कह रहा, छोटी छोटी स्पेलिंग क्यों लग रही, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी लिख दिया था, एनर्जी, ठीक है, तो वर्क की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, जूल, ठीक है। अब वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट, यूनिट सेम होती है, क्योंकि आप जूल, वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, याद रखना, जब हम काम करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि आपने कितना काम किया, ठीक है, या आपके पास कितनी एनर्जी खर्च की, तो जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं या हम उसे क्या कर खत्म कर देते हैं, हाँ, आप वर्क करोगे आपकी एनर्जी लगेगी, ठीक है, एनर्जी लग रही तो एनर्जी कंज्यूम जो होती है वो जूल में होती है, जैसे हमने इतनी कैलोरी बर्न कर दी, बोलते ना कि आज मैं जिम गया था मैंने इतनी कैलोरी बर्न कर दी, तो कैलोरी जो हम काउंट करते हैं वो किस में करते हैं, जूल में, ठीक है, तो हमने एनर्जी को लेते हैं जूल में, क्लियर है समझने के लिए, तो मैं जैसे ही बोलूंगा कि जूल में कितनी खर्च कर दी, तो आप बोलोगे मैंने 10 जूल खर्च कर दी आज इस काम को करने में, कैसे, मेरे को सुबह से शाम तक आपने बोला कि 50 बोतल दिए, यहां से बोतल वहां रखना है, वहां से यहां रखना है, तो मैं सुबह से शाम तक मैंने इसमें हाँ, हाँ, हाँ 10 जूल हम काउंट करते हैं उसे, कैलोरी होती है वो, 4.18 मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहां से निकल आता है उसका यूनिट होता है, हाँ, उसकी निकालते हैं अपन, वैल्यू निकालते हैं, कैलोरी होती है वो, कैलोरी काउंट करते हैं हम, वो भी क्या कैलकुलेट हो जाती है, जैसे 1 जूल में कितनी होती है, कितनी कैलोरी आती है, तो वो अपन को पता चल जाता है।
ठीक है, अभी इतना वो नहीं है ना इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है। सब कैलकुलेट हो जाता है, कितनी कैलोरीज यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं कितनी कैलोरी बर्न की अपन ने, ठीक है। जैसे हमें पता करना है एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है। अब यहां देखो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? किसी काम को करने की आपके पास कितनी कैपेसिटी है, क्षमता, आपकी एबिलिटी, भाई कितनी कैपेसिटी है आपको काम करने के लिए, वो क्या बताएगी आपको कि कितना आप वर्क कर सकते हो, वो ही बताएगी उसकी एनर्जी, ठीक है। वो क्या बताती है? एनर्जी बताती है, वो आपकी एनर्जी बता देती है कि भाई आपके पास कितनी कैपेसिटी है काम करने की। जैसे मेरे पास दिन भर की 100 जूल की कैपेसिटी थी, तो मैंने 100 काम कर लिए, अब मैं थक गया, तो मीन्स मेरे पास जो वर्क करने की एबिलिटी थी, कैपेसिटी जो कितनी थी, 100 जूल ही थी, तो मैंने उसको क्या कर दिया, खत्म। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है, इसकी यूनिट भी जूल ही होती है, हाँ, जूल की। एनर्जी की इसकी जूल ही होती है, देखो, हाँ, ऐसा यूनिट एनर्जी और वर्क की सेम होती है, जूल। सीजीएस जब उसकी जूल है तो उसको भी अपन वैसे ही ले लेंगे, हाँ, बस उसी प्यारा वन। हाँ, अब अपन सारे पढ़ेंगे। अब देखो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्स में इस होता है कि हमें एनर्जी किन किन सोर्स से मिलती है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जिसके सोर्सेस ऑफ वाटर कहाँ कहाँ से मिलते हैं? एक तो हमें लेक से मिलते हैं, पॉन्ड से मिलते हैं, ग्राउंड वाटर मिलता है, रिवर से मिलता है, रेन वाटर, पानी जब बारिश होती है तब भी हमें मिलता है, ग्राउंड वाटर, सी से भी हमें पानी मिलता है, फिर पीने का नहीं पर पानी तो मिलता है ना, तो ये सारे हमारे क्या सोर्सेस हैं, ठीक है। ऐसे ही सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती है। तो टाइप ऑफ सोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। हाँ, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है, फ्लो चार्ट जैसे हम बना सकते हैं इनको। अब रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो क्या है, कंटिन्यूअसली हमें मिल रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहे हैं। जैसे, वेरी गुड, जैसे द सनलाइट, ठीक है, तो सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? सोलर एनर्जी। तो इसमें पहला आ जाएगा सोलर एनर्जी, जो किससे मिल रही है? दी सन से, ठीक है। और रिन्यूएबल कौन से हो जाएंगे? जैसे ओशियन एनर्जी, ओशियन टाइडल एनर्जी, टाइड्स, तो ओशियंस, ओशियन थर्मल एनर्जी, थर्मल, हाँ, हाँ, एक और अच्छा नाम होता है विंड एनर्जी, पढ़ा अपन ने, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओशन एनर्जी, टाइड्स एनर्जी, टाइड, टाइड, जो जब आपने देखा ना, मून से पढ़ा होगा ना, मून से टाइड्स आते हैं समुद्र में,
तो उनके कारण जो एनर्जी मिलती है हमें टाइड्स के कारण, वो मिलती है टाइड्स एनर्जी। विंड एनर्जी, विंडमिल चलती है ना, उसके कारण जो हमें एनर्जी मिलती है विंडमिल एनर्जी, ठीक है। हाँ कौन सी, हाइड्रो, हाइड्रो भी तो होती है जो हमें पानी से मिलती है। हाँ वेरी गुड, हाइड्रो एनर्जी मिलती है ना अपने को उससे। नहीं ओशन तो अलग होती है, हाइड्रोथर्मल अलग होती है, जो वो अपन प्रोजेक्ट बनाए थे ना किसी बच्चे ने, लाइट से पानी से लाइट बना रहे थे, वो ही वाली, वहां भी तो एनर्जी मिल रही ना हमको। पानी वानी पीना है, ठीक है, तो वो भी हो जाएगी। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हो जाएंगी, ठीक है। तो टाइड्स एनर्जी भी हो गई, ठीक है, और थर्मल एनर्जी भी होगी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, मींस जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हम रिन्यू कर सकते हैं। लाइट तो इसी के अंदर आती है, पढ़ेंगे हम, अलग अलग टाइप से लाइट मिलती है। सन से हमें लाइट मिल रही है, ठीक है, तो सन से मिल रही ना, वो तो लाइट इसी के अंदर काउंट हो गई अपनी। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, जो रिन्यू नहीं होते उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला और आप घूम के आ गए पूरे बाजार, आपका पेट्रोल हो गया खत्म। वैसा था कि आपकी गाड़ी चलती जा रही तो अपना पेट्रोल वापस भरते जा रहा था उसमें, ऐसा नहीं था। नॉन रिन्यूएबल होते ना ये तो बेटा। हाँ अच्छा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ ये सब इसी में आते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, कोल, पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम और क्या क्या हो जाएंगे अपने, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। लाइक आपने कोले को बर्न किया और कोल क्या होता है, बर्न होने के बाद एस बन जाएगा, राख बन जाएगी, तो हम वापस उसे कोल बना सकते हैं क्या, नहीं। अगेन यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं लाइक पेट्रोल डीजल कुछ भी होते हैं, हम इन्हें दोबारा यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। ऐसी नेचुरल गैस होती है, एक बार आपने सीएनजी या कुछ भी डाला, गैस क्या हो गई, बर्न हो गई, तो आप उसे दोबारा वापस ला सकते हैं क्या, नहीं। तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल फोर्स आते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही पढ़ना था? हाँ वेरी गुड। टाइप्स ऑफ एनर्जी हम क्या पढ़ेंगे अब, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कितने फॉर्म होते हैं, एक होता है मैकेनिकल, सबसे पहला होता है मैकेनिकल एनर्जी, यस, मैकेनिकल एनर्जी। इसी के अंदर आता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ओशन एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सोलर, न्यूक्लियर, सारी एनर्जी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, हाँ नहीं नॉन रिन्यूएबल नहीं, ये तो खत्म हो गए, ये टाइप डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं अपन तो, कि एनर्जी के कितने कितने टाइप्स की फॉर्म होते हैं। तो कौन कौन सी फॉर्म होते हैं, एक तो मैकेनिकल होता है, उसके अंदर आते हैं काइनेटिक एंड पोटेंशियल, एक आता है न्यूक्लियर, ऐसी आता है केमिकल एनर्जी। हाँ अभी समझ रहे अपन दोनों को, है ना। फोर्थ है केमिकल हो गई, साउंड एनर्जी, ऐसी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब अपन इन दोनों को ज्यादा समझते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। मैंने इसका एक क्वेश्चन एक किसी ने मेरे को बच्चे ने दिखाया था सिक्स क्लास के, तो थोड़ा सा अपन समझ लेंगे, ठीक है, एक फॉर्मूला लिखना अगर काम आए तो, मेरे को कभी आ जाए तो अपने को याद रहेगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी,
जब किसी बॉडी, जब बॉडी मोशन में होती है, मीन्स जब बॉडी चल रही होती है, उस टाइम पे उसके पास जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहां लिखते हैं एनर्जी, हाँ एनर्जी पॉजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक, जो उसके मोशन के कारण उसमें बॉडी में पोजेस्ट होती है। पोजेस्ट मीन्स होती है स्टोर हो जाना। ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है अभी? काइनेटिक। ठीक है, जब मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। आप बात करते हैं पोटेंशियल की, तो फिर पोटेंशियल कौन सी होती है? स्टोर, किसी पोजीशन के कारण उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे बोलते हैं हम, हाँ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ क्योंकि अगर देखो, हाँ हाँ एनर्जी सबके पास होती है, जब बॉडी रखी हुई है मींस उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब बॉडी चल रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अभी अपन इसको प्रूव करेंगे। तो एनर्जी, इसे लिखते हैं अपन डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, उसकी पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अब इसे अपन समझते हैं, अब अगर जो बोल रहे हैं कि इसमें एनर्जी नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने इस डस्टर को लिया, ठीक है, अभी देखो यहां पे, अभी ये बॉडी रखी हुई है, अगर इसके पास एनर्जी नहीं होती तो मैं इसे यहां तक लेके कैसे जाता? तो जब यहां से इसको मैं लेके गया, ठीक है, तो इसके पास कुछ एनर्जी आई, बॉडी किसमें आई? मोशन में। मोशन के कारण इसमें कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे मैंने इसको इसको इधर होल्ड कर दिया, तो अब इस पोजीशन पर रखी हुई है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो मैं, ये तो यहीं रहना चाहिए थी, पर मैं जैसे छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, तो इसके पास वापस से कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक। इसीलिए हम पढ़ते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। पढ़ा है आपने स्टेटमेंट कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी तो रहती है, हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी, इसके पास पोटेंशियल थी काइनेटिक, वापस से क्या आ गई? पोटेंशियल। मैं जैसे छोड़ूंगा फिर कौन सी आ जाएगी? काइनेटिक। फिर क्या आ जाएगी? फिर पोटेंशियल। हाँ रोटेट भी कर रहा है, उसके पास काइनेटिक भी है, पोटेंशियल सब इस पॉइंट पे रखा रहता है उस, नहीं केमिकल, केमिकल भी है और हीलियम रिएक्शन कर रहा है ना उसकी वजह से। इसका एक फॉर्मूला लिख लो अगर कभी आपको काम आए तो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, एम मींस होता है मास, बी मींस होता है वेलोसिटी। हाँ मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पीई इक्वल टू एम जी एच लिखा रहा है, अगर मान लो आपको आ जाए तो, है ना। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको फॉर्मूला लिख लेना। हाँ हाँ अभी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं अभी, तो मतलब बता दिया, अगर मान लो कोई किसी ने फॉर्मूला दे दिया तो आप कैसे करोगे? ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच, एम मीन्स मास, जी मीन्स ग्रेविटी एक्सीलेशन ड्यू टू
अभी पढ़ा था अपन इसको, एच मीन्स हाइट, हाँ, क्योंकि ये जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कुछ हाइट पे रखा है ना, इस वजह से इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अभी पढ़ा था अपने, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इज वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, पोजिशन के कारण तो क्या हो रही है इसमें एनर्जी आ रही, मास तो इसके पास भी है, मास इसके पास भी है, ठीक है, पर इसके पास हाइट भी है, इस वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। चलो अब हाँ, काइनेटिक के पास हाइट नहीं, उसके पास वेलोसिटी होती है, क्योंकि बॉडी जब मोशन में, मैं चल रहा हूं तो मेरे पास क्या स्पीड है, मैं चल रहा हूं तो स्पीड है। अब पर स्पीड किसी डायरेक्शन में, जैसे आपसे मैं बोलूं कि आपको 10 मीटर पर आपको 50 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, बाइक स्कूटी कार चलाते हैं ना, तो आपको मैंने बोल दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको कार चलानी है, तो आप कार चला रहे हो, पर मैंने आपको ये बोला था कि आपको कहां जाना है, नहीं नहीं बोला था ना, तो आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, पर अब मैंने बोला आपको कि आपको इधर से सिर्फ मॉल की तरफ ही जाना है, तो अब मैंने आपको क्या दे दी, डायरेक्शन, डायरेक्शन दे दी मैंने आपको, तो आप कहलाएगी वेलोसिटी, क्योंकि अब उसके पास डायरेक्शन है, नहीं आया समझ में, ठीक है, ऐसे अपन समझेंगे बात, है ना, ठीक है, अभी अपन इसको समझते, ये आ गया समझ में, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैंने एक एग्जांपल देखा था, जैसे ही लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखा हुआ है के इक्वल टू हाफ एम वी एक्स, यहां लिख दिया मैंने एक्स, अब इनने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पता करनी हमको, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ वेलोसिटी स्क्वायर, देखो, और ये वाला लिख लेते हैं यहीं पे अपन पास में, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, क्योंकि ये तो ये है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, हाँ ऐसा मैंने देखा था कहीं क्वेश्चन, तो पर फॉर्मूले नहीं पते होते ना इतने छोटे बच्चों को, फॉर्मूले नहीं पता ही नहीं, फॉर्मूला कहां से आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे, नहीं, अलग अलग फॉर्मूले पर अलग अलग होते हैं, जैसे आपको तो याद है इसलिए, हाँ इसलिए, ठीक है, लिख लो, इसे लिखना है, लिख लो, नोट कर लो, ये तो मैंने एक क्वेश्चन देखा था इस टाइप का, कि आपको फॉर्मूले तो पढ़ाते नहीं है इतनी छोटी क्लास में, फॉर्मूले ये तो सिक्स क्लास में भी नहीं पढ़ाते हैं, पर उनको एक क्वेश्चन आ गया था, एक बच्चे ने पूछा था मेरे से सिक्स क्लास के, तो मैंने वहां से क्वेश्चन देखा था, तो उनको याद था, अगर ऐसा आ जाए, क्योंकि अपन को एडवांस आ रहा है, एडवांस मान लो क्वेश्चन आ गया, क्योंकि फॉर्मूले तो होते नहीं है, पर अपन सिंपली पूछ सकते हैं, क्योंकि जब जिसको फॉर्मूले नहीं पता तो उसके लिए तो टू भी टिपिकल हो जाएगा ना, ठीक है, अब अपन चैप्टर पढ़ते हैं सिंपल मशीन, हाँ 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 इतना ही, हाँ एक लेक्चर में हो जाता है, हाँ 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अपने को पढ़ना है अब सिंपल मशीन।
ये तो आपको आता है ना। हाँ, हीट एनर्जी भी होती है, साउंड एनर्जी होती है, वो सारी एनर्जी एनर्जी के फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। हाँ, हीट एनर्जी आपको एक चैप्टर आएगा, हीट हीट पूरा। देखो, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? हाँ, मोर वर्क जी, जैसे आप सिंपल मशीन, क्योंकि वो उसको सिंपल काम कर रहा है, ठीक है। तो जो सिंपल मशीन क्या होती है, जो हमारे काम को इजी कर दे, वो होती है सिंपल मशीन, जिससे हमारे पास लेस एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक है। उसको बोलते हैं सिंपल मशीन, कन्वीनियंट काम हो जाए हमारा, इजी, ठीक है, इन कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो ये क्या करती है, एक तो आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर देती है, एफर्ट बढ़ा देती है अपना, ठीक है। तो सिंपल मशीन क्या करती है, तीन काम करती है, एक तो एफर्ट को, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ, इट कैन चेंज चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑफ एफर्ट, ठीक है। सेकंड क्या करती, इट इंक्रीज स्पीड, इट कैन इंक्रीजेस द स्पीड। थर्ड है, इट कैन मल्टीप्लाई द फोर्स, इट कैन मल्टीप्लाई द एफर्ट। हम जो एफर्ट लगाते हैं उसको क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देती है। जैसे कैसे, आपने घर पे देखा होगा कभी कभी, जब हमारे यहाँ पेंट के लिए बॉक्स आते हैं ना, छोटे छोटे डब्बे आते हैं, हम उन्हें खोलने के लिए क्या करते हैं, हाथ से खोलते तो हमारे खिंचता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक बॉटल का वो ले लेते हैं। तो अगर मैं एक बॉटल का वो बनाऊ शेप आपको, ठीक है, तो आपने इस तरीके का कैप देखा होगा, ऐसा लगा रहता है कैप, है ना, इस तरीके का कैप लगा रहता है। अब ये तो हमसे खुलता नहीं है, हमें खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सिंपल मशीन यूज करनी पड़ती है। तो हम सिंपल मशीन के लिए एक लीवर ले लेते हैं छोटा सा, तो हम स्क्रू ड्राइवर लेते हैं ना, इससे खोलते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर हम ऐसा कहीं लगा देते हैं, लगा देते ना स्क्रू ड्राइवर को, फिर क्या करते हैं, हम यहां पे एफर्ट लगाते हैं और स्क्रू यहाँ पे, ये क्या जाता है कैप, तो ये लोड ऊपर जाता है और इसको हम दबाते हैं, वैसे ही खुल जाता है। हाँ, इस यहां पे जो काम करता है उसे बोलते हैं फलक्रम। हाँ, लोड, फलक्रम एंड एफर्ट। हाँ, अब इस पे अपन आते हैं, कौन से टाइप के लीवर है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी को बताऊं, हाँ देखो, लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर, पहले तो लीवर समझते हैं क्या होता है। लीवर क्या होता है, एक स्ट्रेट बार या बेंड बार पर रिजिड होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम लीवर, ठीक है। स्ट्रेट एंड लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। हाँ, इसमें सेम थी क्या,
लीवरेज सेटअप इन्वॉल्व्स अप्लाइड एफर्ट। अच्छा लुको, और इजी भी लिखा देता हूँ, लो इसे मैं और इजी लिखा देता हूँ, ये वाली लिख लेना। नहीं कोई नहीं, आप ही हो, बस रिकॉर्डिंग होती है इसमें। देखो अ लीवर इज अ रिजिड, हाँ बस इसके बाद टाइप ही लिखना है अपने को, है ना। हाँ आपको लिखाऊं क्या मैं? ठीक है, लीवर इज अ रिजिड, इसको तो लिख दे पहले, ये डेफिनेशन लिख लो अच्छी वाली है। रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार, बार मीन्स जानते हैं, विच इज कैपेबल ऑफ जो इस तरीके का शेप होता है उसे हम बार बोलते हैं, एक लंबा रेक्टेंगल शेप होता है उसे हम बार बोलते हैं, पतला भी होता है, गोल को भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी अपने लिए एक बार की तरह हो जाता है, गोल भी हो जाता है। कैपेबल ऑफ टर्निंग बुक में नहीं है वाली, आउट ऑफ फिक्स एक्सिस, ठीक है, उसे बोलते हैं लीवर। कि लीवर क्या होता है, एक रिजिड, रिजिड मींस होती है कोई चीज सॉलिड, ठोस, जैसे डस्टर है, रिजिड है, बिल्कुल सॉलिड है, तो इसे बोलते हैं रिजिड। तो ये स्ट्रेट होना चाहिए या बेंट बार भी हो सकती है, मींस अगर हमें कहीं पे ऐसी एक जरूरत पड़ी कि इस तरीके की हमें चाहिए कि ऐसी है और ऐसी इस तरीके की रॉड की जरूरत पड़ी, तो ये भी अपने काम क्या करेगी, लीवर का काम करेगी कि मैं इस, हाँ बोलो, ये यहां पे पुली बना रहा है, यहां पे ये दोनों व्हील एक्सल बना रहा है। जिसकी मदद से हम इसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा देंगे वो उस पे आ जाएगा, रुक, ठीक है, ओके। देखो अब लीवर्स पढ़ते हैं हम, तो यहां पे देखो लीवर, तो हम यहां पे सबसे पहले इसको याद रखना, एफ एल ई, एफ मींस फलक्रम, एफ मींस होता है फलक्रम, ई मींस एफर्ट एंड एल मींस लोड, ठीक है। तो जब इन दोनों में से, इन तीनों में से जब ये फलक्रम बीच में रहेगा तो वो कहलाता है फर्स्ट क्लास लीवर, इसे बोलते हैं क्लास फर्स्ट लीवर, कौन सा, क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास फर्स्ट लीवर। जब लोड बीच में होता है उसको बोलते हैं सेकेंड क्लास लीवर, क्लास सेकेंड लीवर, और जब एफर्ट लास्ट में होता है उसे बोलते हैं क्लास थ्री लीवर, ठीक है। जब फलक्रम बीच में होगा तो क्लास फर्स्ट लीवर, एफर्ट लोड बीच में होगा तो सेकेंड क्लास, एंड द एफर्ट इन मिडिल तो थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ अच्छा यूनिवर्स, ओके। देखो जब जैसे सीजर, ठीक है, प्लायर, ये सब किसके एग्जांपल हैं, फर्स्ट क्लास लीवर के, सेकेंड क्लास के क्या हो जाएंगे, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, वेरी गुड, बस काफी है, नट क्रैकर, बोटल ओपनर, ठीक है, स्टेपलर, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। स्टेपलर भी क्या हो जाता है, फर्स्ट सेकंड क्लास हो जाएगा, और थर्ड क्लास में क्या आ जाएंगे, हॉकी स्टिक, वैसे दूर से काटते ना अपन उसको, ठीक है, टोंग,
कौन सा टोंग? देखो हाँ, अलग अलग टोंग्स होती हैं, जैसे ये वाली जो टोंग होती है ना, इसमें आपने क्या किया, एक सुगर का पीस रख दिया, तो आप क्या करोगे, इसमें बीच में क्या आ रहा है, एफर्ट, क्योंकि हम यहां पकड़ेंगे, ये फलक्रम का पॉइंट है, ये फलक्रम, और ये क्या है हमारा, हाँ लोड। हाँ, वैसे पकड़ते हैं ना अपन गांव में, आ गया समझ में? उसी तरीके का होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, हो गई आपकी क्लास? ओके हाँ, और पढ़ना है क्या? और क्या है? हाँ अभी तो अपने पास टाइम है। ठीक है, हाँ मैं तो सोच रहा हूँ कि हो गया। ठीक है, हो गया अपना। चलो अब बताओ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर हो गए, और इसमें क्या रिवीजन कराए अपन? पुली। पुली क्या होता है? एक फ्लेक्स। ठीक है, इट कैन टर्न अबाउट एन फिक्स्ड एक्स, एक फिक्स रॉड के अलावा क्या करती है, वो घूमती रहती है। तो पुली क्या होती है? हाँ ठीक, मतलब इस, हाँ अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, इससे मैंने एक सरफेस से इस पुली को बांध दिया, ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग, यहां पे मैंने क्या किया, इसको एक तरफ मैंने लोड दिया, ये मेरा लोड है, यहां पे मैं एफर्ट लगा रहा हूं। एफर्ट कहाँ लगाएंगे, नीचे, तो लोड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, मीन्स ये मैं नीचे जाऊंगा तो मेरा लोड कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में। एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क होती है जिसपे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। इसे समझने के लिए आपने साइकिल के टायर देखा है? हाँ, जैसे मैं उसका टायर निकाल दूं रबड़ वाला, और उसका जो फ्रेम बचेगा, उसके जो ग्रुप्स होते हैं, वो एक लाइका पुली फिक्स करना है, और उसे मैं ऐसे फिक्स कर दूं, और फिर क्या करूं, उसके ऊपर क्या करूं, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को एफर्ट लगाऊंगा, हाँ उधर से पता चली थी। इस तरीके से यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है अपना, अब ये हो गया पुली, फिर सेकंड आता है व्हील एंड एक्सल। हाँ क्या आ जाएगा, व्हील एंड एल एक्सल। ठीक है, तो व्हील एंड एक्सल को मैं कैसे बना दूं, इजी डायग्राम बना दूं? बढ़िया, एक्सेल ये हो गया, ठीक है, हाँ ये हो गया आपके व्हील एंड पुली के, अच्छे बने ये तो, गुड। अच्छा देखो, यहाँ पे इस तरीके होता है व्हील और एक्सेल, जैसे टायर, गाड़ी का टायर होता है ना, वो एक फ्रेम में ऐसा टायर लगा दूं मैं, तो ये एक्सेल हो जाएगा, और व्हील इसके अराउंड क्या करेगा, रोटेट करता रहता है, तभी हमारी गाड़ी क्या करती है, आगे चलती है, क्योंकि दोनों टायर्स उसमें यहां लगे रहते हैं इस तरीके। हाँ तो व्हील मूव करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं। हाँ पर अब आजकल क्या होने लगा, एक्सल तो ऐसे लगे रहते हैं, इनमें जो टायर्स लगे रहते हैं ना ऐसे, ये टायर जो होते हैं ना, वो रोटेट करते हैं, ये घूमते हैं।
नहीं, एक्सल ये फिक्स रहता है आजकल, इसमें यहाँ ग्रुप वो लगा देते हैं वियरिंग जो घूमती रहती है। हाँ हाँ तभी टायर घूमते थे, पहले फिक्स कर देते थे, जैसे ये घूम रहे ना तो टायर भी घूमते थे और एक्सल भी घूमते थे दोनों साथ साथ, तो आगे जा रहा तो एक्सल भी घूम रहा है और टायर्स भी आगे जा रहा है, चलता था पहले। इसमें व्हील्स लगे हैं तो व्हील्स भी आगे जा रहे हैं, एक्सल भी घूम रहा है, सब साथ साथ आगे जाते थे पहले। और क्या है इसमें, इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, आपने घर पे देखा जब गाड़ी जहां से चढ़ाते हैं अपने घर में तो एक हम सरफेस बना देते हैं इंक्लाइंड, तो वो हम बनाते क्यों हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, अब मेरे को इसको यहाँ पे चढ़ा के ले जाना, ऐसा मेरे को यहाँ पे लेके जाना टॉप फ्लोर पे, ठीक है। एक मेरे पास सरफेस ही है, एक और मैंने क्या किया कि एक और सरफेस बनाया, मेरे को सेम ब्लॉक, इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसी ब्लॉक को मैं यहाँ लेके आया, ए वाले ब्लॉक को यहाँ रख दिया और मैंने इसको ना ऐसे एक सरफेस बना दिया। अब ये बताओ चढ़ना कहाँ इजी रहेगा, इस वाले पे या इस वाले पे? इसे बी कर दूं, ठीक है बी, तो ए को इजी होगा चढ़ना या बी को? बी को, क्योंकि जैसे ही मैं इस पे चढ़ाऊंगा फिर मेरे को यहां से वापस एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर मैं यहां रखूंगा ब्लॉक, फिर ये यहां पहुंचेगा, फिर मैं वापस फोर्स लगाऊंगा फिर यहां आएगा, फिर वापस फोर्स लगाऊंगा फिर यहां, फाइनली यहां पहुंच पाएगा। मीन्स मेरे को हर बार क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर आगे किसका आना पड़ेगा। हाँ, और मैं इस ब्लॉक को जैसे ही इधर रखूंगा इस बी को और मैं फोर्स लगाऊंगा पीछे से, तो ये आगे होके कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे, तो मेरे को इस पे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, अभी मेरे को यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट चढ़ाना है, तो अगर इस टेबल को चढ़ाना होगा तो मेरे को उठाना पड़ेगा क्योंकि इस पे रखना पड़ेगा। अभी मान लो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेट होता तो मैं स्टेबल को ऐसा लाता और ऐसे खिसकाते हुए ऊपर ले जाता, तो हमारी पहले उठाना पड़ेगा फिर इस पर रखना पड़ेगा फिर मैं यहां तक ले आऊंगा रैंप। इसी वजह से जैसे अपने आपने देखा सीढ़ियां बनी हुई रैंप बने हुए हैं, यहाँ पे रैंप बने हुए, हाँ तो रैंप क्यों बने हुए हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी कम यूज हो, हमें एफर्ट कम यूज करें, क्योंकि सीढ़ी चढ़ोगे आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे, रैंप पे क्या होगा आप लंबा चल के आप जल्दी से ऊपर पहुंच जाओगे आराम से। ठीक है, वेज क्या होता है, वेज मैं बना दूं, जब दो इंक्लाइंड प्लेन को मैं ऐड कर दूं जोड़ दूं तो वो कौन से सरफेस बन जाते हैं? बेस इज लाइक अ इंक्लाइन प्लेन। प्लेन अगर मैं इसी को देखो, बेस एक टाइप का इंक्लाइन प्लेन है, अभी प्लेन कैसा था अपने पास इस तरीके का है ना इंक्लाइन प्लेन। अब मैंने क्या किया, दो इंक्लाइन प्लेन ले ली, एक ऐसा लिया एक प्लेन लिया ऐसे, एक ये, एक और इंक्लाइन प्लेन लिया ऐसे, दोनों को मैंने अगली कंडीशन में क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। अब ये जो बनेगा तो वो किस तरीके से शेप हो जाएगा, इस तरीके के, मैंने दोनों क्या किया इस तरीके से प्लेन लिए और दो बेज को मैंने ऐसे ऐड कर दिया, तो अभी किसकी तरह बन गया, दो इंक्लाइंड प्लेन एक बेज की तरह, लाइक जैसे बेज होता है एक्स की, जैसे कुल्हाड़ी देखी आपने, कुल्हाड़ी का शेप इस तरीके का होता है, तो हम किसी भी चीज को इजिली कट कर पाते हैं। हाँ इसमें जगह क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए आपने देखा अगर मैं इससे अगर एप्पल कट करने जाऊंगा कट जाएगा क्या, मार्कर से मैं ऐसे रख के काटूंगा नहीं, पर मैं अगर नाइफ से काटूंगा तो नाइफ से कट हो जाएगा, क्योंकि नाइफ का शेप भी हल्का सा क्या होता है, वेज की तरह ही होता है, पतला होता है पर उसका देखा ना ऊपर वाला सा मोटा होता है,
नीचे वाला बहुत पतला होता है, तभी पतला होता जाता है और उसको कट कर देता है वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी किसी को काटना है तो मैं क्या करूंगा, दो यहां पे ब्लॉक बना दूंगा। ठीक है, एक ब्लॉक यहां बना दूंगा, इसे मैं क्या कर सकता हूं कट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा वेज। ठीक है, ये हो जाएगा आउटपुट फोर्स, यहां पे भी क्या हो जाएगा आउटपुट फोर्स। ठीक है, और हम कहां से फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन से, ये क्या हो जाएगा हमारा इनपुट फोर्स। ठीक है, अब स्क्रू क्या होता है, एक एक मिनट और बस, स्क्रू का नहीं तो स्क्रू भी एक तरीके का इंक्लाइंड प्लेन होता है। अगर एक बड़ा सा स्क्रू बना दूं इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर मैं ग्रुप्स डाल दूं ऐसे, तो ये किस जैसा बिहेव करता है, एक सिंपल मशीन, और जो दिखता है स्क्रू जैसा। हाँ, तो इसका शेप बीजी जैसा तो होता है, तभी तो ये, तो ये भी अंदर घुसता है, इसीलिए तो इस यूज करते हैं अपन जब दीवार में। हाँ, एक टाइप ऑफ बेज है, अगर अभी लिखा हो ना इनक्लाइंट में क्या आएगा, तो स्क्रू भी आ जाएगा, इस टाइप ऑफ बेज, नेल भी आती है, अरे नेल ऐसी तो होती है, अगर ग्रुप्स नहीं है तब भी तो वो बेज की तरह काम करती है ना, अगर कोई सिंपल भी होती है तो आपने देखी बिल्कुल सिंपल से ऐसे होती है। छोटी सी ऐसी होती जाती है, फिर बस उसे हम दीवार में इंसर्ट कर देते हैं लगा के। ठीक है, बनाना है क्या इसको, कौन सा बनाना है, ओके नहीं डायग्राम थोड़ा ना है, आप तो पढ़ना बस सुनो। ठीक है।